दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको फुल पेंट का क्रॉस पॉकेट चिरवा बताने जा रहे हैं। इनका कमर है 28 इंच और सीट है 32.5 इंच, और वैसे स्कूली छात्र के लिए है 34 इंच का लंबाई है। तो इसमें क्रॉस पॉकेट चिरवा के विशेष तौर पे बताया गया है। तो ये जो पॉकेट है, हम इसको पॉकेट को ये सेम अलग से जो पापलिन है उसी में बनता है चिरवा पॉकेट, इसको रख लिए। लटक छोटा 18 इंच है, 11.5 इंच की गहराई वाली पॉकेट आ जाएगा। और दूसरी बात, इसकी साइज है 7.5, नीचे 7.5 और ये 6.5 ऊपर है, यानी यहाँ का अपेक्षा 1 इंच से कुछ कम इसको दिए। और इसके बनिस्बत ये जो देख रहे हैं, इसके बनिस्बत इसको हमने 1 इंच अधिक रखा। अब काटे तो यहाँ से हमने ये जो दिख रहा है, ये पूरा ये जो सेमी 7.5 जहाँ पर से है, ये 7.5 जहाँ पर है, तो इसको हमने 1/2 इंच और इसको यहाँ से शेप दे दिया। और इसमें एक सेम पीस लगाने के लिए अलग से और काट लिए, तो इसको आप ज़्यादा सकरा ना दें ताकि क्रॉस पॉकेट ऊपर से, ये लगभग 5 इंच है और गहराई है इसकी 8 इंच, ताकि इसकी जो पॉकेट है उसका शेप सही आ सके। ये जो क्रॉस पॉकेट में देंगे ये राउंडिंग भाग में, इसको ऐसे काट लिया। ये हो गया आपका पॉकेट का खर्चा। अब इसमें हम पॉकेट में 28 इंच कमर, 32.5 सीट है और 18 इंच लटक है और लंबाई है 34.5 इंच। स्कूली छात्र के क्लास 6 के लिए ये सीधा भाग, ये उल्टा हो गया, ये चाक पड़ा है। यहाँ से आप ये ऊपर की तरफ बराबर रखिए, रंच मात्र भी छोटा ना हो। और इसको लगभग ये 1/4 इंच छोड़ के पापलिन को, और यहाँ पर हमने एक टुक काट लिया है ये कपड़े को, सेम कपड़ा को। ये दूरी 1/4 इंच के आसपास छोड़ के पॉकेट, इसको लगभग 1/4 इंच छोड़ दीजिए, 1/2 इंच ऐसे छोड़ के। ऐसे दूसरे पॉकेट को भी बना लेते हैं। ये ऊपर ख्याल रहे, ऊपर ये बिल्कुल जो पापलिन कपड़ा है पॉकेटिंग का, जो ये पीस सेम पीस लगा रहा है वो बिल्कुल छोटा ना हो, बराबर। अब इधर से 1/4 इंच हम छोड़ के एक इंच बड़ा छोटा है,
इसको ऐसा ना शब्द का ऐसे भी दिया जा सकता है, वो आपके ऊपर है। इसको आधा इंच छोड़ा है दोस्तों, मात्र इसको अब आधा इंच नहीं, पाव इंच इसको ये दिए, यानी पूरा पूरा एक आपका कपड़ा जो है ये पौन इंच कपड़ा छोड़ के सिलाई मारे, तो बाद में समझ आएगा क्यों छोड़े इसको छोड़ रहे हैं। ऐसे हम दूसरा पॉकेट को बना लेंगे दोस्तों। ये दोनों पॉकेट बन गया। अब ये जो ये ऊपर पल्ला एक एक ये पॉकेट का एक भाग है, तो इसको ये लगभग इससे इसके बनिस्बत बिल्कुल दिखना चाहिए, इससे छोटा ना है जैसे ये दोनों दिख रहा है। ये उल्टा है तो अब सीधा सीधा पॉकेट ऐसे ही लगेगा। तो ये आपको इसमें लगा है, इसी में अगला पल्ला फिट हो गया है, तो इधर ऊपर की तरफ बराबर पाव इंच के आसपास इधर आप बिल्कुल बराबर दीजिए, इस पल्ला के अपेक्षा पॉकेट छोटा ना हो, बराबर ऐसे रखिए। और ये जो दिख रहा है इससे दोस्त पल्ला से पॉकेट थोड़ा ज़्यादा रखे हैं, बस ऐसे आप बराबर रखिए। ये पल्ला कुछ नहीं करना है, आप इसके ऊपर रखना है। अब रखने के बाद ऐसे सीधा तरफ रख के ये जो काटे जो है ये जो पट्टी काटे हैं इसलिए काटे कि एक पॉकेट को फैलने भी नहीं देता और इसे मोटापन आता है और साफ बनता है। ये सिलाई जो है हम जो मार्कर दिए टूक दिए इसके नीचे ना आए, उसके थोड़ा सा भले आधा सूट ऊपर रहे या सेम ठीक टूक के बराबर रहे, ज़्यादा बेहतर है। धागा कटना नहीं किए, काट दीजिए टूक को। सेम वही है दोस्तों जो क्रॉस पॉकेट आपको पहले बताया, जो एक तरफा बनता है पॉकेट वही है, थोड़ा सा किरवा के लिए पॉकेटिंग की आवश्यकता है। थोड़ा एक सूट निकाल दीजिए, एक सूट से थोड़ा कम, एक सूट ही ठीक है। अब इसको एक प्लेजर से दबा दीजिए, एक समान सिलाई दीजिए, अच्छा लगेगा। यहाँ से आधा इंच छोड़ के पॉकेट के जमाने के लिए आधा इंच इधर, ये 1.25 है, 1.25 पर्याप्त है।
28 इंच कमर 32 इंच फीट के लिए 5.25 पर्याप्त है। अब इसको हम नहीं पकड़ेंगे, छोड़ देंगे। जो सेम कपड़े इसमें चिपकाए हैं उसी को ये मजबूती से जमा दीजिए। इसको मजबूती से आप जमाइए दोस्तों, ये बार बार हाथ जाता है, ये जल्दी ये फटता है। इसको मजबूती से इसको टाका मारिए। अभी पैकेट बन गया। अब इसके ऊपर ये जो पैकेट नहीं बनाए हैं एक पल दूसरे पल्ला को इसके ठीक ऊपर रख दीजिए। अब ऐसी दूसरे पल्ला का पैकेट को बनाएंगे, पीछे पल्ला के पीछे दोनों को। सबसे पहले पीछे में आप पैकेट पहले बना लीजिए, मैं अभी पैकेट का ही आपको बता रहा हूँ। पीछे पैकेट पूरा बन जाए तब पल्ला दोनों पल्ला को जोड़िए। आधा इंच डरना चाहिए, आधा इंच काटे ढिलान दिए हैं। यहाँ अच्छा जमा दीजिए दोस्तों, इसलिए चिरुआ रहेगा। अब उसके बाद वो ऊपर से सिलाई नहीं रहेगा, इसलिए यहीं पर आप अच्छे से इसको जमा दीजिए। अब यहाँ पर ये चिरुआ नहीं आ रहा है, तो ये जो पैकेट है इसको हम काट लेंगे। जो अगला जो पैकेट है यहाँ भी आप जमा लीजिए। यहाँ पर हम और डबल बिल्कुल सिलाई के जस्ट ऊपर सिलाई डबल सिलाई डालेंगे, अलग अलग नहीं पड़ना चाहिए। काला कपड़ा में सिलाई दिखता नहीं। ये दोस्तों इसको मैंने आयरन से इसे मैंने चिरवा कर लिया है। अब ये जो मैंने पहले से इसको यहाँ से मोड़ा और उसके बाद ऐसे किया, वो थोड़ा सा अगर कम इसको छोड़े तो यहाँ पर चिरवा के लिए दिक्कत आता है। तो आप ऐसे कीजिए पाकि को सीधा सीधा दीजिए, ताकि और आधा इंच इसको छोड़ते बन जाए, ताकि वो परेशानी ना हो।
ये बिल्कुल परफेक्ट है, वो ट्रेंड आदमी ही अच्छा कर सकता है, बाकी आप भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते। तो ये देखिए कितना बढ़िया साफ दिख रहा है, अरे पूरा ये पल्ला जो यहाँ से पूरा नीचे तक बटन तक भी पूरा चिरवाएगा। अब इसको ऐसे पकड़िए, है ना दोस्तों, बढ़िया। अब ऐसी हम दूसरे पॉकेट को भी बना लेंगे। इसको हल्का सा हर पॉकेट में आप हल्का सा इसको सामने पल्ला को हल्का इसको खींचेंगे, उसे साफ बनता है सामने। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।